हेलो बॉबी। ओह डियर, चलो तुम्हारा पुराना बम्पर बदलते हैं। ठीक है मैकेनिकल्स, क्या तुम लोग बम्पर निकाल सकते हो? बहुत सावधानी से। ओह संभल के सावधान मैकेनिकल्स, हमें एक साथ करना है। थैंक्स ग्रीन। ओह डियर मैकेनिकल्स, तुम्हें अब इसकी मरम्मत खुद करनी होगी। ग्रीन, थैंक्स ग्रीन। मैकेनिकल्स, तुम्हें एक साथ करना होगा। अच्छा काम किया मैकेनिकल्स, देखा एक छोटी सी टीम कैसे काम करती है। बॉबी अब तुम ठीक हो? नाइस कैच ग्रीन। ये तो डलन का डंपर ट्रक है, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? आपके डंपर ट्रक में प्रॉब्लम है क्या? चलो मैकेनिकल साथियों। समझ गया, आपका डंपर ट्रक आपकी सारी चीजें फेंक रहा है। मुझे लगता है कि पिस्टन बदलना पड़ेगा। पिस्टन लाता हूं, तब तक तारों को काट दो ताकि ये सारी चीजें गिर ना पाए। इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अरे ये तार वापस कैसे जुड़ गए? अच्छा तो वो तुम थे जो तार वापस जोड़ रहे थे। चलो कोई बात नहीं, बहुत मजाक हो गया, अब हम अच्छे से काम करते हैं। तो ये रहा तुम्हारा पिस्टन डियर, पर तुम्हारा पुराना पिस्टन भी काम आ सकता है। ओके मैकेनिकल साथियों, हो गया। देखो तुम्हारे लिए नए पिस्टन पट्टियाँ, वो भी डैलन के पुराने पिस्टन से। बहुत बेहतरीन हेलोवीन कॉस्ट्यूम मैकेनिकल्स, क्या तुम सब ट्रिक या ट्रीट के लिए तैयार हो? सॉरी मैकेनिकल्स, मुझे बेबी ट्रक का ऑयल चेंज करना है। तुम चलो, मैं आता हूँ। Mm.
ओह, ट्रिकी ट्रीट, वाह, तुम्हें कोई मिठाई नहीं मिलेगी जब तक तुम मुझे नहीं डराओगे और मुझे कोई नहीं डरा सकता। बकवास, मुझे लगता है कि मुझे इन सभी मिठाइयों को अकेले ही खाना पड़ेगा। तुम इतनी जल्दी आ गए? ओह, आई एम सॉरी मैकेनिकल्स। रुको, क्या बात है बेबी ट्रक? ये एक अच्छा आइडिया है। फिर से कोई ट्रिक या ट्रीट्स के लिए आया होगा। मुझे अकेला छोड़ दो, मैं नहीं करना चाहता। बहुत अच्छा बेबी ट्रक, उसे हेलोवीन का डर मिल गया है। हैप्पी हेलोवीन। काम हो गया मैकेनिक साथियों, आज क्रिसमस है और गैरेज बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तुम सबको पता है कि तुम्हें सेंटा से क्या चाहिए? ओह, तुम्हें नहीं पता ब्लू? ठीक है, जल्दी फैसला करो, सेंटा किसी भी वक्त आते होंगे। वाह, मुझे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी आएंगे। हेलो सेंटा। गेको, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मेरे हिरन बीमार है, मेरी स्लेह उड़ नहीं सकती तो मैं आसमान में उड़ नहीं सकता, और अगर मैंने तोहफे नहीं पहुंचाए तो इस दुनिया में लड़के और लड़कियां क्रिसमस नहीं मना पाएंगे। हाँ, फिक्र मत कीजिए सेंटा, हम इसे उड़ाएंगे। के साथियों ने बचा लिया क्रिसमस, तो ये लो एक एक तोहफा तुम सबके लिए। मुझे यही तो चाहिए था। थैंक यू सेंटा। तुमने फैसला कर लिया है कि तुम्हें क्या चाहिए? तुम मेरे स्लेह पर सवारी करना चाहते हो, तो फिर आ जाओ, चलते हैं खुले आसमान में। गेको की गैरेज की ओर से आप सबको मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। ओह, हेलो दोस्तों, विकी द आइसक्रीम ट्रक यहाँ रिपेयरिंग के लिए आई है। हमारा काम बस खत्म ही होने वाला है। थैंक्स येलो, क्या तुम स्क्रू ड्राइवर ला सकते हो? ध्यान से मैकेनिकल्स, उस पाइप के अंदर बर्फीली हवा है, इससे विकी अपनी आइसक्रीम फ्रीज करती है। येलो, उस बटन को मत छूना। हम्म,
थैंक्स मैकेनिकल्स, तुमने मुझे बचा लिया। चलो अब चल के विक्की को ठीक करते हैं। शुक्रिया विक्की, बाय दोस्तों। ओ मैकेनिकल देखो, ये है ट्रक फैमिली। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये बहुत अच्छी नाव है बेबी ट्रक जो तुमने बनाई है। ओ नहीं, एक टायर। ये बेबी की नाव की तरफ आ रहा है, देखो। थैंक्स मामा। अब हम इस टायर को रिसाइकल करते हैं। हे, देखो इतना कचरा। ये सारा कचरा ऊपर की तरफ से आ रहा है। चलो चलें। तुम यही रुको येलो, नाव की रक्षा करो। इतना ज्यादा कचरा, आखिर ये कौन कर रहा है? मिस्टर वीजल, ये क्या कर रहे हैं? ओ, गेको, मैं अपने सारे कचरे से पीछा छुड़ा रहा हूँ। इसके टायर फंस गए। तुम्हें नदी में कचरा नहीं डालना चाहिए मिस्टर वीजल। ओ नहीं, वो बेबी ट्रक और बोट की तरफ सीधा जा रहा है। आपको नदी में कचरा नहीं फेंकना चाहिए, यह नदी को गंदा कर देता है। आप बेबी ट्रक की बोट को लगभग बर्बाद करने वाले थे। एक बोट? मैं तब से बोट से नहीं खेला जब मैं छोटा वीजल था। मेरे पास एक आइडिया है। हम इस कचरे को रिसाइकल करते हैं, पुरानी चीजों से चमकदार नई चीजें बनाएं। मैं आपको दिखाता हूँ। पता का फेराओ, देखो यह अच्छा जहाज आ रहा है। वीजल की बोट आगे बढ़ो, ये बहुत मजेदार है। नदी एक बार फिर साफ हो गई है। दोबारा मिलते हैं, बाय। ब्लू, ब्लू तुम कहाँ हो? हेलो दोस्तों, आज हम बाहर काम कर रहे हैं क्योंकि फियोना की सीढ़ी फंस गई है और वो बहुत ऊंची है। ओह, हमें तुम्हारे टायर भी चेक करने होंगे फियोना। ओह ब्लू, क्या कोई कारजैक लेके आएगा प्लीज? बहुत अच्छे रेड, मैं रिंच लेके आता हूँ। बाउंसिंग बॉक्स। फिक्र मत करो रेड, हम तुम्हें नीचे उतार लेंगे। ग्रीन, येलो, एक चादर लेके आओ, मेरे पास एक आइडिया है। रेड, जब मैं कहूँ कूद जाओ तो कूद जाना, ठीक है? कूद जाओ। ओ, हाँ।
वक्त है तुम्हारा हीरो बनने का। तैयार हो ब्लू? 3, 2, 1, गो। डरो मत, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। फ्यू, तुमने अच्छा काम किया ब्लू। हुर्रे, ब्लू है हीरो। चलो सुपर मैकेनिकल, फियोना की सर्विस खत्म करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे, बाय। ये अच्छी खुशबू क्या है? जी हाँ, हर ग्राहक के लिए एक फ्री कबाब। इससे मुझे और ग्राहक जरूर मिलेंगे। तुम अंदर जाओ एरिक। जल्दी से पको। कुछ जल रहा है क्या? पता नहीं इसको अब क्या हो गया। नहीं, मेरी खूबसूरत बारबेक्यू। फियोना, फायर ट्रक, यहाँ आग लग गई है। ये आवाज कैसी? जल्दी से उस आग को बुझाते हैं। जाओ जाओ मैकेनिकल्स। बचाओ बचाओ, जल्दी करो। ये क्या किया? उफ, माफ करना, पाइप उतनी दूर नहीं पहुंचेगा। अच्छा आइडिया फियोना, आओ फायर एक्सटिंग्यूशर का इस्तेमाल करें। हो, मैंने पकड़ लिया। शुक्र है सब सही सलामत है, सभी ने अच्छा काम किया। जल्दी मिलते हैं, बाय। मैकेनिकल्स, तुम सब अच्छे दिख रहे हो। हेलोवीन के लिए सब तैयार हैं। टिली भी इसमें शामिल हो रही है। क्या बात है ग्रीन? क्या बाहर एक मॉन्स्टर है? मैं बाहर जाके देखता हूँ। मैकेनिकल्स चिंता मत करो, मॉन्स्टर जैसी कोई चीज नहीं होती है। हेलो हेलो, क्या तुम ठीक हो दोस्त? अंधेरे में से बाहर आओ। ओह डियर मैक्स, तुम्हें हेलोवीन सफाई की जरूरत है। आओ कार वॉश में चलते हैं। मैकेनिकल्स चिंता मत करो, याद रखो कोई मॉन्स्टर नहीं है। क्या तुम तैयार हो मैक्स? यहाँ आ जाओ मैक्स, अब और डरने की जरूरत नहीं। सभी को हेलोवीन मुबारक हो। ओह हेलो दोस्तों,
मैं और ब्लू बाहर जा रहे हैं गैरेज के लिए क्रिसमस ट्री लेने। ओ ई, ये तो बॉबी द बस है, वो फंस गया है। ओ, हॉट चॉकलेट से गर्माहट मिलेगी। चिंता मत करो बॉबी, हम तुम्हें जल्द ही बाहर निकाल लेंगे। कोई फायदा नहीं, हुक निकाल दो ब्लू, कोई और तरकीब देखते हैं। ओ नहीं, अब तो तिली भी बर्फ में फंस गया। ओ नो ब्लू, लगता है हम भी फंस गए हैं यहाँ। उदास मत हो ब्लू, कोई तो हमारी मदद करेगा, तब तक हमें ये हॉट चॉकलेट गर्म रखेगा। उप्स, देखो हॉट चॉकलेट से ये बर्फ पिघल गई। मेरे पास एक आइडिया है। ही, ये काम आया। वहीं रुको बॉबी, ही, यो वेलकम बॉबी। लेकिन अब हम इस गिरे हुए पेड़ का क्या करें? आहा, परफेक्ट। मैरी क्रिसमस दोस्तों। थैंक्स रेड, आज बहुत ज्यादा गर्मी है। उधर देखो, हाँ, बेबी और माँ पिकनिक के लिए जा रहे हैं, लेकिन बेबी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। चलो बेबी ट्रक, आओ तुमको देखते हैं, पता लगाते हैं क्या गड़बड़ है। ये प्रॉब्लम है, तुम बहुत गर्म हो गए हो। मैकेनिकल जल्दी थोड़ा पानी लेकर आओ। ओहो, तुमने ठीक तरह से पानी नहीं पिया है ना बेबी? जब बहुत ज्यादा गर्मी हो तो हमें ढेर सारा पानी पीना चाहिए, अब बेहतर है। पर मेरे ख्याल से तुम अभी भी गर्म हो। आहा, समझ आ गया। कार वॉश के टेम्परेचर को बहुत ठंडा कर दो रेड। ही, चलो अंदर जाओ बेबी ट्रक, अब ठंडा होने का समय है। अब सब ठीक है, अब तुम पिकनिक पर जा सकते हो। तुम्हारा समय अच्छा गुजरे, बाय। गेकोज़ गैरेज में आपका स्वागत है दोस्तों। हम अभी अपना इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम लगा रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है कोई मुसीबत में है। चलो चलो टिली टो ट्रक। ये तो एरिक द एक्सकेवेटर है,
लगता है ये चट्टान से टकरा गया है। देखो इसका कैटरपिलर ट्रैक टूट गया है। ब्लू, जानता हूँ तुम्हें तूफान से डर लगता है, पर तुम्हारी मदद चाहिए। तुम हमारे लिए बहादुर बनोगे? ओह, मैं वहाँ पहुँच नहीं पा रहा और मैं बड़ा होने की वजह से वहाँ नहीं जा पा रहा। ओह ब्लू, हमें इसे जल्दी ठीक करना होगा। लगता है वो बांध टूटने वाला है। ब्लू इतना छोटा है कि उसके अंदर फिट हो सकता है। शाबाश ब्लू, तुम सच में बहुत बहादुर हो। ओ नहीं, ये बांध बस टूट नहीं वाला है। जल्दी करो ब्लू। शाबाश ब्लू, तुमने अपने डर का सामना किया। और वो देखो, एक रेनबो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय। साइन को फिर से पेंट करने का वक्त आ गया है। ब्लू, जरा कलर उठाओ और मदद के लिए तुम ऊपर जाओ। अरे नहीं, फियोना का बम्पर टकरा गया है। अंदर आओ, तुम्हें ठीक करते हैं। ग्रीन, हमें स्ट्रॉन्ग गम की जरूरत होगी, प्लीज। हरा नहीं होना चाहिए। हाँ, गम येलो और ब्लू के पास हो सकता है। जल्दी रेड, जल्दी से छत पर जाओ। ओ बेचारा रेड, अब छत पर कहीं और से चढ़ना पड़ेगा। ओ डियर, यहाँ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। गम पूरी तरह से सख्त होने से पहले तुम्हें आजाद करना होगा। फियोना, क्या मैं तुम्हारा पाइप ले सकता हूँ प्लीज? फिक्र मत करो मैकेनिक साथियों, जल्दी से तुम्हें आजाद कर देंगे। बहुत अच्छे मेरे दोस्तों, अब फियोना और मैं दोनों अच्छे लग रहे हैं। इस महान रेस में आपका स्वागत है, जहां मैं विल्बर टी वीजल इस शहर का सबसे तेज मैकेनिक है, और मेरा साथ देगा मेरा टर्बो पावर्ड मॉन्स्टर ट्रक। फिक्र मत करो टिली, हमें जीतने के लिए टर्बो इंजन की जरूरत नहीं है। तुम मुझे कभी निराश नहीं करोगी। तो गेको, जब लाइट हरी होगी तब रेस शुरू होगी। रेडी स्टेडी गो। चलो चलो टिली ट्रक, चलो। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द मुझे मेरा चमकीला मेडल मिले, जो मेरी चमकीली घड़ी के साथ मैच करेगा। हाँ ऐसे ही टिली, धीरे धीरे आराम से। टर्बो पावर एक्टिवेट हो। रुको मत, हमें जाकर उन्हें बचाना होगा। हम डूब रहे हैं, बचाओ। फिक्र मत करिए मिस्टर विल्सन, हम आपको यहाँ से जल्दी बाहर निकाल देंगे। हे
तुम बिल्कुल ठीक तरीके से जीते, पर देखना अगली बार मैं ही जीतूंगा। ऐसे ही मजेदार रेसेस को देखने के लिए गैको के गैरेज में आइए। बाय बाय। वाव, बहुत अच्छे मैकेनिक साथियों, साफ गैरेज ही हैप्पी गैरेज होता है। अजीब है, लगता है पावर चली गई। शायद सोलर पैनल में कुछ गड़बड़ी हो गई है। ओह डियर, सूरज की किरणें आना बंद हो गई है। पर ये कोई आम बादल नहीं है, हमें जांच करनी चाहिए। हाँ, अब कोशिश करो डिलन। कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा इंजन तो ठीक से काम करना चाहिए। मैंने सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं। कैसे हो मिस्टर विल्सन, सब कुछ ठीक तो है ना? सब ठीक है गेको। मैं हार मानता हूँ। तो मुझे देखने दो डेलन। तो बुरी खबर ये है कि तुम्हारा इंजन निकालना पड़ेगा, पर अच्छी खबर ये है कि मेरे पास बिल्कुल नया इंजन है जो तुम्हारे और लोगों के काम आ सकता है। परफेक्ट। हमें सूरज की मदद लेनी होगी डेलन के इंजन के लिए। जब तक हम डेलन का नया इंजन इंस्टॉल कर रहे हैं, तब तक सोलर पैनल्स की बैटरी बिल्कुल चार्ज हो जाएगी। दिख रही हो डेलन। गुड जॉब ग्रीन। क्लीन ग्राहक यानी हैप्पी ग्राहक और साफ प्लेनेट यानी हैप्पी प्लेनेट। सही कहा ना? आज काफी जल्दी आ गया एरिक। मैकेनिकल्स, एरिक को अपनी मरम्मत करवानी है। चलो उठो आलसियो, रात भर चार्ज करने के बाद भी तुम एक्टिव क्यों नहीं होते हो? चलो एरिक की मरम्मत कर दो ताकि वो काम पर जा पाए। समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें आज हो क्या गया है। वाह, तुमने ठीक कहा एरिक, इनकी चार्जिंग रात भर ऑफ थी, शायद इसलिए थके हुए लग रहे हैं। चलो सारे आलसियो, चार्ज होने का वक्त आ गया है। ओ, चेकमेट। ये ओके मैकेनिक साथियों, अब तुम तरोताजा हो गए हो, तो काम खत्म करे। हो गया एरिक। जल्दी ही आपसे गैको के गैरेज में फिर से मिलेंगे। ये तो मम्मी ट्रक और बेबी ट्रक हैं। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सुरंग ब्लॉक है और आप जा नहीं सकते। मैं एक बार देखता हूँ। ओह,
सुरंग रह गई है। यहाँ से भी ढह गई। हम तो अंदर फंस गए। फिक्र मत करो, मेरे पास मेरी टूल किट है। हमें इससे बड़ी टूल किट चाहिए। इस चट्टान को तो टिली भी नहीं हटा पा रहा। अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मालूम था आप में इतनी ताकत है। मम्मी ट्रक ने हमारी जान बचाई। मैं एरिक द एक्सकेवेटर से कह दूंगा कि वो ये सारे पत्थर हटा दे। और ज्यादा फन और एडवेंचर के लिए आपसे फिर मिलेंगे गेकोज गैरेज में। हेलो दोस्तों, मैं हूँ गेको और हम जा रहे हैं अपने घर। हा? वो तो बेबी ट्रक है। क्या हुआ बेबी ट्रक, क्या तुम्हारा डमी खो गया? परेशान मत हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। चलो चलो मैकेनिकल। उन लाल फूलों के आसपास ढूंढो। तुम्हें कुछ दिखाई दिया? उन हरी झाड़ियों में देखो, क्या कुछ दिखाई दिया? वो जरूर यहीं कहीं होगा। I'm sorry, baby truck. मुझे तुम्हारा डमी कहीं दिख नहीं रहा। ब्लू, शाबाश, तुमने ढूंढ ही लिया। ये लो बेबी ट्रक। अंत भला तो सब भला। मदद के लिए शुक्रिया दोस्तों। बाय। हाँ, शुक्र है कि अब तो बारिश बंद ही हो गई। अब हम मजे से पिकनिक मना सकते हैं। हेलो, मैं शहर में नहीं हूँ। कैट है मेरा नाम और बचाना है मेरा काम। मैं यहाँ सबको सुरक्षित रखने आई हूँ। हेलो कैट, मैं हूँ गेको और ये सारे मैकेनिकल्स हैं। हम सब पिकनिक मना रहे हैं, तुम शामिल होना चाहोगी? ओ, क्या तुम्हारे पास चिकन सैंडविच है? हाँ, अगर है तो। तुम्हारे पास है क्या? हाँ, मैं आ रहा हूँ। नो, बहुत ज्यादा कीचड़ है। टिली फिसल कर दूर जा रही है। चलो हेलिना, किसी को बचाना है। हाँ,
ध्यान से चलाओ ब्लू। मैं पहुंच नहीं पा रहा। गेको, छतरी इस्तेमाल करो। बाल बाल बचे। चलो तुम फिर से साफ हो गए टिली। हमारी टीम का जवाब नहीं गेको। बिल्कुल सच कहा। मदद के लिए शुक्रिया कैट। इतना शोर शराबा कैसा? ओ, ये तो बैरी बस है। लगता है काफी जल्दी में है। तुम ठीक तो हो ना बैरी? हो, तुम्हें डर है ना कि तुम लेट हो जाओगे? लेकिन ऐसे तो तुम कहीं भी नहीं जा पाओगे। रुको, मुझे देखने दो। ग्रीन, मेरा सबसे अच्छा पाना लाओगे प्लीज? ग्रीन, तुम्हें भी टेंशन हो रही है ना? मुझे ऐसा लगता है कि हमें गहरी सांस लेनी होगी। रुको, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तुम एक गहरी सांस अंदर लो और फिर सांस बाहर छोड़ो। अब तुम ट्राई करो। अंदर, एक, दो, तीन, चार, पांच, छोड़ो। एक, दो, तीन, चार, पांच। तो बेहतर है ना? याद रखो, अगर टेंशन के वक्त गहरी सांस लोगे तो टेंशन कम हो जाती है। बाय बेरी। देखो राइट, कैट आ गई है। हेलेना हेलीकॉप्टर पर हमने जो नए विंटर स्किड लगाए थे उससे वो बर्फ पर आराम से उतर पाएगी। ईहा, तुमने कर दिखाया हेलेना। कैसी हो कैट? कैसे हो गेको? देखो राइट, कैरी और बैरी स्नोमैन बना रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा है, वो सब दूर जा रहे हैं। चलो चलो टिली टो ट्रक। तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, हम तुम्हें बचा लेंगे। पकड़ लो कैरी। कैट, क्या तुम बैरी तक पहुंच सकती हो? हाँ बिल्कुल। हेलेना चलो। बटन दबाओ रेड। हमने कर दिखाया। हाँ, काश हम स्नोमैन को भी बचा पाते। गेको? ये तो गेको है। कोई बात नहीं कैट, आखिर में हमें स्नोमैन मिल ही गया।
या फिर स्नो गैको ही कह दो। बस हो गया फियोना, ये आ गई तुम्हारी नई सीढ़ी। कैट, आराम से। कैसे हो गेको? मैं और हेलेन अपने लूप्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखो हमारा कमाल। एक बड़ा वाला हो जाए हेलेना। संभल कर कैट। अरे नहीं, कुछ आ रहा है। तुम ठीक हो ना रेड? गेको, हेलेना की स्किट्स के बिना मैं लैंड नहीं कर सकती। अरे नहीं, जल्दी करो मैकेनिक साथियों, उसकी मदद करनी होगी। जल्दी से वो पहिए लेकर आओ। मुझे थोड़ा और नजदीक जाना होगा। कोशिश कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। नहीं, संभल कर गेको। ब्लू, वो स्किड्स को उठाओ। एक आइडिया है मेरे पास। अभी ब्लू, शुक्र है, एक और बढ़िया लैंडिंग। मदद के लिए शुक्रिया गेको। कोई बात नहीं कैट, ये तो मेरा काम ही है। लो हो गया एरिक, अब तुम्हारा हाथ बिल्कुल ठीक है। मैकेनिक साथियों, ये क्या कर रहे हो? ओह अच्छा, पायरेट्स का खजाना ढूंढ रहे हो क्या? कैसे हो मेरे साथियों? अब ये आवाज कैसी थी? एरिक को शायद कुछ मिला है, शायद बहुत बड़ा खजाना। ये सब क्या है? येलो, हो सकता है ये सोना ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि खजाना ही ना हो। टडा! ये तो एक पुरानी रेलवे हाथ गाड़ी है, पर कुछ कमी जरूर है इसमें। अरे वाह, एरिक को पुरानी पटरियां मिल ही गई। अब कोशिश करके देखो साथियों। देखा, सिर्फ इसीलिए कि कोई चीज सोना और चांदी नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि खजाना नहीं है। बहुत खूब साथियों।